बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो यूफैन की प्रोफाइल के ऊपर एड्स का इशू आ रहा था, उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दो ऐसी सेटिंग के बारे में बताना है, आपने लाजमी इनको चेक कर लेना है। अगर वो सेटिंग आपकी प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई नहीं है तो आपने उन सेटिंग को अपने प्रोफाइल के ऊपर लाजमी अप्लाई कर लेना है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको यूफैन वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपने मेरा ये फ्री वाला जो कोर्स है जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, इस कोर्स को आपने देख लेना है। इस कोर्स में ऑलमोस्ट 14 वीडियोज़ अपलोडेड हैं और आपने इन 14 वीडियोज़ को लाजमी देख लेना है ताकि आपको यूफैन के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके न्यू प्रोफाइल के ऊपर आपने यूफैन वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपने लॉगिन किया, यहाँ जीमेल के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने यूफैन प्रोफाइल की जो ईमेल एड्रेस था उसको आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। और यहां पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। और आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने यहां पर टाइप करना है u.fan। जैसे इंटर करेंगे आपको अपनी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहां पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है और इसको आपने क्रॉस के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने साइन अप विद गूगल अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना वो अकाउंट सर्च करना है जिस अकाउंट से आप लॉगिन होने जा रहे हैं। अब आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। अब आपको ये इंटरफेस नजर आएगा, आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। याद रखिए ये लाजमी काम आपने चेक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपने अपनी पब्लिशर आईडी को नोट डाउन कर लेना है। न्यू टैब में आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करना है जो आपने यूफैन वेबसाइट के साथ अटैच किया था। इसको आपने यहाँ पे साइन इन करके लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर आपका गूगल एडसेंस लॉग इन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है और अगेन आपने यहाँ पर सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको आपकी पब्लिशर आईडी नज़र आ जाएगी। अगर आपकी ये पब्लिशर आईडी और जो यूफैन अकाउंट के ऊपर लॉगिन है ये पब्लिशर आईडी सेम है तो इसका मतलब है कि आपकी पहली सेटिंग ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने दूसरी सेटिंग चेक करनी है जो मेक श्योर करेगी कि आपके अकाउंट्स के ऊपर एड्स लाइव हैं या नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगेन वही प्रोसेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और सबसे एंड पे जाके एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप जाएंगे और कंटिन्यू विद एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना कोई भी टेस्ट अकाउंट के नाम से इसको नाम दे दीजिएगा और डन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये काम आपने लाजमी करना है, यही मेक श्योर करेगा कि आपके अकाउंट के ऊपर एड्स लाइव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पर अपने प्रोफाइल को सर्च कर लेना है। मैं अपने प्रोफाइल को सर्च करता हूँ u.fan/netech, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल ओपन हो चुका है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर साइन इन ना हो। आपको प्रोफाइल की लुक ऐसे होनी चाहिए जहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बटन आ रहा हो, आपने लॉगिन नहीं करके देखना। उसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ऐड नज़र आ रहा है। ये ऐड आपको गूगल का ऐड नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ऐड बाय गूगल का बटन नज़र आ रहा है। तो आपने ये काम लाजमी करके चेक कर लेना। ये दो सेटिंग आप लाजमी करके देखें। आपके अकाउंट्स के ऊपर अगर ऐड लाइव नहीं होते तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है और अगर हो भी ना तब भी आपने मेंशन करके बताना है कि आपके अकाउंट का इशू रिजॉल्व हो चुका है। इस वीडियो से मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आपने लाजमी मुझसे पूछ लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।